वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं महाराजा। दोस्तों, इस मूवी की ट्विस्ट एंड एंडिंग आपके होश उड़ा देगी, साथ ही साथ मैं बता दूंगी काफी इमोशनल भी करके रखेगी, इसलिए आज कोई इंट्रो नहीं। लेकिन वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें दो टाइमलाइन एक साथ चलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत महाराजा नाम के नाई से होती है, जो कि एक सैलून में बाल काटने का काम करता है। काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से वो अपनी पत्नी और बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए आज उसने सोचा है कि वो बॉस से छुट्टी मांगेगा ताकि वो अपने परिवार के साथ बढ़िया टाइम बिता पाए। पर पहले तो बॉस उसको छुट्टी नहीं देता, लेकिन फिर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो एक खिलौने की दुकान पर जाता है ताकि वहां से अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद ले। दोस्तों, महाराजा का घर सामने ही होता है दुकान के, तो अपनी पत्नी को खिलौने भी दिखा रहा होता है ताकि वो बेटे के लिए कौन सा खिलौना चाहिए ये बता पाए। और उसकी बेटी जो अभी काफी छोटी है, वो भी अपने लिए खिलौने देखकर काफी खुश हो रही होती है। पर खुशी से भरा उनका ये मोमेंट तब खत्म हो जाता है जब एक ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से वो सीधे महाराजा के घर से टकरा जाता है। और इस हादसे में बेचारे महाराजा की पत्नी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो मारी जाती है। लेकिन भाग्य से उसकी बेटी बच जाती है। कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये समय 2023 का होता है। दोस्तों, जब महाराजा की पत्नी मरी थी वो टाइम 2009 का था। इन दोनों टाइमलाइन को याद रखना, आगे मूवी इन्हीं टाइमलाइन के हिसाब से चलने वाली है। तो 2023 की बात है, मतलब इस टाइमलाइन की बात है। महाराजा की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, जिसका नाम ज्योति है। महाराजा अपने घर पर अपनी बेटी ज्योति और लक्ष्मी के साथ रहता है। दोस्तों, लक्ष्मी असल में कोई महिला नहीं बल्कि कचरे के डब्बे का नाम है। अब देखिए, मुझे पता है आप भी बोलोगे कि माँ लक्ष्मी के नाम कचरे का डब्बा। देखिए, इस पे बाद में बात करेंगे, ये डायरेक्टर का, जो भी राव का, राइटर्स का था। मेरा मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको बता दूं पहले। और ये जो कचरे का डब्बा है, ये लोहे का बना हुआ है। बात असल में दोस्तों ये है कि जब ट्रक महाराजा के घर से टकराया था, तब ये लक्ष्मी डब्बा उसकी बेटी के ऊपर गिर गया था और इसकी वजह से ज्योति की जान बच पाई थी। क्योंकि जब वो गिरा था ना, तो उसने ज्योति को कवर कर लिया था और तभी से महाराजा लक्ष्मी को अपने घर का सदस्य बना लेता है, उसको अच्छे से देखभाल भी करता है। तो जरा ज्योति की बात करते हैं, उसे पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, इस वजह से वो टीचर से डांट भी खाती रहती है। अब एक दिन तो हद हो गई थी, किसी बच्चे ने ना ज्योति के बैग में शराब की बोतल डाल दी, जिस वजह से बेचारी ज्योति को स्कूल के मालिक ने महाराजा के सामने बहुत बुरी तरह डांटा। और जब उसको ये पता चला कि ये हरकत ज्योति की नहीं बल्कि किसी और बच्चे की है, जिसने ज्योति के बैग में वाटर डाल दी थी, तब भी दोस्तों उसने ज्योति से माफी नहीं मांगी और उसको डांट ही रहा था कि अभी तो तुम बच गई और अगली बार तुम्हारे बैग से कुछ निकला तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं सीधे स्कूल से निकाल दूंगा। और एक और बात याद रखना, फिर कहीं दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है, जरूर तुम इस बदमाश बच्चे से मिली हुई हो ताकि मेरे स्कूल का नाम खराब कर पाओ। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर ना महाराजा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि जब मेरी बेटी की गलती नहीं है तो आखिर उसको डांट क्यों रहा है ये। महाराजा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी बेटी की आंखों में आंसू वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो स्कूल के मालिक से कहता है, देखिए, आपने बिना सच जाने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया, उसे तकलीफ पहुंचाई आपने, इसलिए आप चुपचाप मेरी बेटी से माफी मांगो, वरना पता नहीं मुझसे क्या हो जाएगा, चुपचाप माफी मांग लो। पर दोस्तों, ये सुनकर तो सारे टीचर्स महाराजा को पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर आ जाते हैं, लेकिन महाराजा इतनी जोर से वहाँ लगी रॉड को पकड़ता है कि वो रॉड ही मुड़ जाती है, साथ ही जिस पिलर में रॉड लगी थी वहाँ की दीवार तक हिलने लग जाती है। अब ये देखकर तो स्कूल के मालिक के पसीने छूटने लग जाते हैं कि ये तो सच में बहुत ताकतवर है, इसलिए वो चुपचाप ज्योति से माफी मांगने लगता है, जिसके बाद महाराजा ज्योति को लेकर चला जाता है। अब अगले सीन में ज्योति स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए जा रही होती है, जिसमें करीब एक हफ्ता लगेगा, और ये पहली बार है जब ज्योति महाराजा से इतनी दूर जा रही है। ये सोचकर वो भी उदास होता है, पर अपनी बेटी के लिए मान भी जाता है, पर क्या करे, उसकी बेटी आगे बढ़ रही है तो इसके लिए उसको थोड़ा मतलब मानना ही पड़ता है। पर दोस्तों, उसके जाने के बाद ना महाराजा को पहाड़ जैसे दिन लगने लग जाते हैं, उसके दिन कटते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वो अपनी बेटी के बगैर दिन गुजार रहा होता है। दूसरी ओर हम कुणाल नाम के काउंसलर को देखते हैं, जो कार सर्विसिंग शॉप पर आता है। वहाँ पर आकर तो वो सीधा हंगामा खड़ा कर देता है कि कल मैंने यहाँ पर गाड़ी सर्विस कराने को दी थी, उस पे मेरा चश्मा था जिसे मेरे फेवरेट हीरो ने मुझको दिया था, लेकिन अब वो गायब है, अगर मुझे वो चश्मा नहीं मिला तो पूरी शॉप में आग लगा दूंगा। इसी बीच दोस्तों, वहाँ पर धना नाम का आदमी आता है, जो उसी शॉप में काम करता है। अब शॉप का मैनेजर रामू कुणाल से कहता है, देखो, धना ने तुम्हारी गाड़ी की सर्विसिंग की थी, उसे चश्मे के बारे में पता होगा। ये सुनते कुणाल तो धना की धुलाई करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि कल तक मेरा चश्मा मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। और इससे धना का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि धना दोस्तों एक गुंडा है, लूटपाट, चोरी चकारी, यहाँ तक कि हत्या भी कर चुका है। इसीलिए धना रात को उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कुणाल अपने साथियों के साथ मौजूद था। वहाँ आकर वो कुणाल को चश्मा दिखाता है, जो कि उसी के पास था। धना गुस्से में कुणाल के सामने ही उस चश्मे को तोड़ देता है, और जैसे उसने चश्मे को तोड़ा था, उसी तरह से वो कुणाल और उसके साथियों को भी तोड़ता है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, और अपना बदला लेकर वो चला जाता है वहाँ से। अगले सीन में महाराजा पुलिस स्टेशन आकर कहता है, मुझे FIR दर्ज करवानी है, क्योंकि कल रात 3 चोर मेरे घर में घुसे, उन्होंने मुझ पर हमला भी किया और मेरी लक्ष्मी को उठा कर लेकर गए। पुलिस वाला कहता है, लक्ष्मी कौन है?
तुम्हारी पत्नी है या बेटी या कोई और? महाराजा कहता है कि लक्ष्मी इन दोनों में से कोई नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है, जरूर तुम पैसे के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो पैसा ही है। महाराजा कहता है, नहीं सर, मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा था। अब दोस्तों ये सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए महाराजा से कहता है कि अगर लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी नहीं है, बेटी नहीं है और ना ही पैसे है, तो आखिर लक्ष्मी है कौन? तो महाराजा कहता है, लक्ष्मी मेरे घर के कचरे का डब्बा है, जिसका नाम मैंने लक्ष्मी रखा है। और मैंने ये नाम उसका इसलिए रखा क्योंकि उस डब्बे ने मेरी बेटी की जान बचाई थी। मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर गई है, वापस आएगी तो मुझे लक्ष्मी के बारे में पूछेगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, इसलिए आप प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढिए। अब ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि अबे गधे, ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, जो तू कचरे के डब्बे की FIR दर्ज करवाने यहाँ पर आ गया, निकल यहाँ से। लेकिन ये महाराजा ये जाने को तैयार नहीं होता दोस्तों, कहता है मैं लक्ष्मी को ढूंढे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सारे पुलिस वाले उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्कूल की तरह यहाँ भी लोहे के स्टैंड को इस तरह से पकड़ लेता है ना कि जब तक वो गिरता नहीं वो छोड़ता नहीं उसे, और इस तरह से पुलिस वाले उसे भगाने में बिल्कुल असफल रह जाते हैं। दूसरी ओर हम एक पुलिस ऑफिसर अरुण को देखते हैं, वो एक चोर को पकड़कर एक परिवार के घर पर लाया होता है, ताकि वो चोर यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा पाए कि उसने घर से कैसे सोने की चोरी की, इसलिए वो चोर सारी चीजें करके बता देता है। अब ये देखकर परिवार को इतना गुस्सा आता है कि ये कितने शान से सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अरुण फिर उस परिवार को वो गहने दे देता है जो उस चोर ने चुराए थे, लेकिन उस परिवार के लोग देखते हैं ये तो नकली है, हमारे असली गहने कहाँ हैं? चोर कहता है, अच्छा मैंने तो आपके घर से यही चुराया था जो लौटा दिया आपको, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पर दोस्तों वो परिवार मानने को तैयार नहीं होता कि हमारे ये गहने हैं। तब ये सुनकर अरुण उस परिवार वालों से कहता है कि देखो हमें बेवकूफ बनाते हो तुम, मुझे तो लगता है कि जरूर ये तुम्हारा और इस चोर का मिलकर बनाया हुआ प्लान होगा कि नकली गहने चोरी करवा लेंगे और फिर पुलिस वाले असली गहनों को ढूंढने पे लग जाएंगे, और अगर वो गहने कहीं मिले तो उसे अपना बता देंगे, यही थी ना तुम्हारी चाल? देखो मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, इसलिए भूल जाओ अपने गहनों को और हम नहीं ढूंढने वाले, पहले बता दूं। ये सुनकर परिवार के लोग डर कर वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद अरुण चोर को अपने ठिकाने पर लेकर आता है, और यहाँ पता चलता है कि अरुण और वो चोर ही आपस में मिले हुए थे दोस्तों, और चोर ने असली गहने चुराकर नकली लौटाए, और अरुण ने परिवार को धमकाकर मामला ही शांत करवा दिया ताकि वो इस बारे में दोबारा कोई आवाज ही न उठाए। अब कुछ देर के बाद अरुण जैसे ही पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ महाराजा मौजूद होता है। महाराजा अरुण को भी सारी कहानी बताता है कि तीन चोर आए थे, मुझ पर उन्होंने हमला किया और लक्ष्मी को लेकर भाग गए। पर अरुण को भी जब पता चलता है ना कि ये कचरे के डब्बे की FIR लिखवाने आया है, तो वो भी गुस्से में कह देता है कि निकल जाए यहाँ से। लेकिन महाराजा कहता है कि सर आपने अगर लक्ष्मी को ढूंढ लिया तो उसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब ये सुनकर तो अरुण भी हैरान कि 5 लाख वो भी कचरे को डब्बे ढूंढने में, लगता है ये कोई साइको आदमी है। पर 5 लाख का नाम सुनते ही वो तुरंत लक्ष्मी को ढूंढने के लिए मान जाता है। अब अरुण और बाकी पुलिस वाले महाराजा के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें ऐसी कोई खास चीज नहीं मिलती जिससे चोरों को पकड़ा जाए। सभी पुलिस वाले आस पड़ोस के घर की छानबीन करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि महाराजा की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए पुलिस वाले और परेशान कि अब आखिर चोर को ढूंढे कैसे, और जो चोर आए भी तो गहने पैसे चुराने के बजाय कचरे का डब्बा ही क्यों चुरा लिया उन्होंने। बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला केस है दोस्तों ये। चलिए अगले सीन में 2009 का समय आता है, जहां सेल्वम नाम का गुंडा अपने साथी सबरी के साथ चोरी के इरादे से घर में घुसता है। सेल्वम और सबरी दोस्तों अक्सर ऐसे ही घर की तलाश में रहते हैं जहां चोरी करना आसान हो, क्योंकि वहां से चोरी करने के बाद गड़बड़ होने पर वो घर वालों को भी मार दे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन आज जिस घर में सेल्वम और सबरी आए होते हैं, वो घर के गहने लूटने के बाद घर में रह रही महिला और उसकी बेटी को बंदी बना देते हैं, क्योंकि सेल्वम जब घर आया था ना तब हाथापाई में उस महिला से सेल्वम का मांस निकल गया था, जिससे उस महिला ने सेल्वम को देख लिया, और यही वजह है कि सेल्वम अब उस महिला और उसकी बेटी को मारना चाहता है ताकि वो पुलिस वालों को उनके बारे में कुछ न बता पाए। तो मारने से पहले सबरी बेचारी महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म भी करता है। उसके बाद वो और सेल्वम घर से बाहर आकर गैस का सिलेंडर खोल देते हैं, जिससे घर में होता है ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट में महिला और उसकी बेटी मारे जाते हैं। अब ऐसा गंदा काम करने के बाद सेल्वम अपने घर आता है, जहां वो अपनी पत्नी और बेटी अमू के साथ रहता है, एंड वो अपनी बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन दूसरों की बेटी के साथ गलत करता है, देखिए इसको। साथ ही वो लक्ष्मी वाला कचरे का डब्बा अभी सेल्वम के घर में मौजूद है दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये 2009 की टाइमलाइन है, अभी ये डब्बा सेल्वम के पास है, पर वो कैसे महाराजा के पास आया इसके बारे में अभी पता चल जाएगा आपको। तो आ जाइए 2023 में। अरुण कचरे का डब्बा ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो चुका था कि कहां गया हो, इसलिए वो अपने पुलिस वालों को वैसा ही दिखाई देने वाला दूसरा डब्बा लाने को कहता है, ताकि उसे महाराजा को थमा कर उससे 5 लाख ले पाए। वहीं महाराजा अब डेली सुबह शाम पुलिस स्टेशन में ही गुजारना शुरू कर देता है, ताकि ज्योति के आने से पहले वो लक्ष्मी को ढूंढ ले। साथ ही ज्योति बार बार उसको कॉल और मैसेजेस करके लक्ष्मी की फोटो मांग रही होती है, लेकिन वो क्या जवाब देता, लक्ष्मी तो है नहीं। ऐसे ही एक दिन पुलिस स्टेशन में रामू आता है,
ये रामू वही है दोस्तों जो उसी कार सर्विसिंग शॉप का मैनेजर है। वो यहाँ पर शिकायत लेकर आया होता है कि धना पिछले कुछ दिनों से गायब है। उसने सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। तब धना की फोटो देखकर महाराजा कुछ टाइम पहले की चीज याद करने लगता है। जब रेस्टोरेंट में धना कुणाल की धुलाई कर रहा था ना, उस टाइम महाराजा भी वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि महाराजा को घर से एक टोल प्लाजा का टिकट मिला था जिस पर कुणाल की गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था, और उसी गाड़ी का पीछा करते हुए महाराजा रेस्टोरेंट में आया था। क्योंकि टोल टिकट घर पर होने का साफ मतलब था कि जिसकी वो गाड़ी थी वही इंसान उसके घर पर आकर लक्ष्मी के साथ ऐसा काम किया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद महाराजा को पता चलता है कि लक्ष्मी के साथ हुई हरकत वाली रात को कुणाल की गाड़ी धना चला रहा था। इसलिए महाराजा की धुलाई करने के बाद जब धना रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा था तो महाराजा भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया, पर धना को इसकी भनक लग जाती है। इसलिए वो महाराजा को अपने ठिकाने पर लेकर आ जाता है जहां धना के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। यहां महाराजा धना से पूछ रहा होता है कि बता तेरे साथ जो दो और लोग थे जो मेरे घर में घुसे थे वो कौन थे। तो दोस्तों जिन तीनों के बारे में महाराजा ने शिकायत की थी कि उन्होंने उसके घर में घुसकर लक्ष्मी को चुराया, उनमें से एक धना भी था। लेकिन धना महाराजा को कुछ नहीं बताता और ये सुनकर महाराजा को आता है गुस्सा। और अब हम महाराजा के अंदर के जानवर का असली रूप देखते हैं, जो देखते देखते अपने पास रखे अस्त्र से धना के गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि उसको देख देख कर धना, जो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा समझता था, वो डर कर कांपने लग जाता है। महाराजा तो दोस्तों उसको भी नहीं छोड़ता और उसकी भी जमकर धुलाई कर देता है। तब जाकर धना कहता है कि उन दो में से एक पुलिस वाला था जो तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में ही काम करता है। इतना कहने के बाद धना वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन महाराजा उसका धड़ अलग कर देता है। और दोस्तों महाराजा का ये रूप सच में बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों एक डब्बे के लिए महाराजा उन तीनों की जान लेना चाहता है। और अब प्रेजेंट टाइम पर महाराजा उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी की चोरी का केस करना तो सिर्फ बहाना था, असल मकसद महाराजा का था कि वो जेल में रहकर उस दूसरे इंसान का पता लगा सके जिसके साथ धना उसके घर में घुसा था। उस पुलिस वाले की एक निशानी भी थी कि उसकी पीठ पर एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर था जो उसे बचपन से है। इसलिए पुलिस स्टेशन में महाराजा जब भी किसी पुलिस वाले को देखता है उसकी पीठ को छूने की कोशिश करता है ताकि वो ट्यूमर महसूस कर पाए, जिससे पता चल जाएगा कि वो इंसान धना का साथी है या फिर नहीं। दूसरी ओर अरुण के दो साथी पुलिस वाले नाला शिवम और गोपाल एक टीन का सामान बनाने वाले के पास आते हैं और उसे महाराजा के डब्बे की फोटो दिखाकर वैसा ही डब्बा बनाने को कहते हैं। इस पर दुकान वाला मान जाता है। वहीं 2009 में आ जाइए थोड़ा, सेल्वम गहनों की दुकान पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ आता है क्योंकि दो दिन बाद उसकी बेटी का जन्मदिन है जिसमें वो 3 साल की हो जाएगी। उसके लिए वो लॉकेट लेने के लिए आया था। उसकी बेटी को एक लॉकेट पसंद भी आता है जिसमें फुटप्रिंट बना हुआ था एंड वो लॉकेट काफी महंगा भी था, लेकिन सेल्वम दूसरे के चुराए हुए पैसों से इतना महंगा लॉकेट आराम से खरीद लेता है। लेकिन इसके बारे में उसकी पत्नी और बेटी बिल्कुल अनजान होते हैं। अब देखते देखते सेल्वम की बेटी के जन्मदिन वाला दिन आ जाता है, इसलिए सेल्वम शेविंग करवाने सैलून में आता है। और पता है दोस्तों ये वही सैलून था जिसमें महाराजा काम करता था। याद होगा आपको, पत्नी के मरने से पहले महाराजा नाई का काम करता था, उसी में सेल्वम आया होता है। तब ट्रिमर की बैटरी खत्म होने पर महाराजा नई बैटरी लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद सबरी सेल्वम को फोन करके कहता है कि आज का अखबार पढ़ा, अखबार की मेन हेडलाइन हमारे बारे में ही है कि हम किस तरह से चोरी को अंजाम देते हैं, सारी डिटेल्स लिखी हुई है अखबार में, पुलिस कभी भी हम तक पहुंच सकती है। ये सुनकर सेल्वम भी हैरान हो जाता है। वो सबरी से कहता है कि ये किसी और के बारे में होगा, हमारा काम तो बड़ी सफाई से होता है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी बैटरी लेकर महाराजा दुकान पर आता है। ये देखकर सेल्वम घबरा जाता है कि कहीं इसने मेरी बातों को सुन तो नहीं लिया, इसलिए अभी के लिए तो वो सैलून से चला जाता है। पर थोड़ी देर के बाद वो सबरी को फोन करके कहता है कि देखो मुझे लगता है कि वो महाराजा है ना, उसने सब कुछ सुन लिया है, कहीं वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता तो नहीं देगा, इससे पहले वो बताए उसको मार डालो। पर तभी सेल्वम को पता चलता है कि उसने वो लॉकेट कहीं गिरा दिया जो आज वो अपनी बेटी को देने वाला था, क्योंकि दोस्तों वो लॉकेट महाराजा के सैलून में छूट गया था। इसलिए महाराजा डिसाइड करता है कि वो ये लॉकेट सेल्वम को देकर आएगा। बेचारे ने तो सेल्वम की कोई बात ही नहीं सुनी थी। लेकिन इत्तेफाक तो देखो, वो जैसे ही लॉकेट लेकर सेल्वम के घर पर आता है उसी टाइम पुलिस वाले सेल्वम और सबरी को पकड़ने वहां पर पहुंच जाते हैं। अब ये देखकर सेल्वम को यकीन हो जाता है कि मेरा शक सही निकला, इस महाराजा ने ही पुलिस वालों को हमारे बारे में बताया होगा, जबकि असल में तो बेचारा महाराजा वो लॉकेट वापस करने आया था। वहां पर आते ही पुलिस वाले सेल्वम और सबरी को पकड़ कर लेकर जाने लग जाते हैं। तभी सबरी गन निकाल कर पुलिस वालों को दिखाने लग जाता है ताकि वो उसे और सेल्वम को जाने दे, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं पर शूट करके मार डालते हैं। दोस्तों सेल्वम की पत्नी पुलिस वालों से कहती है, आखिर मेरे पति को क्यों लेकर जा रहे हो, उन्होंने ऐसा क्या किया? जिस पर पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा पति चोर है, घरों में घुसकर चोरी करता है, वहां की महिलाओं के साथ गलत काम करके उनको मार डालता है। ये सुनकर तो सेल्वम की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिसे वो अपना पति परमेश्वर मानती थी वो इतना जालिम इंसान निकला। वो पुलिस वालों से कहती है कि ले जाओ इसको और इसे कभी मत छोड़ना, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस वाले सेल्वम को लेकर जा रहे होते हैं तभी हम महाराजा के लिए उसकी आंखों में गुस्सा
साफ साफ देखते हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि वो जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले महाराजा को मारेगा। अब 2023 में बिल्कुल लक्ष्मी जैसा डिब्बा मिल चुका है इनको, और अब बारी है तीन ऐसे बंदों को ढूंढने की जो ये कबूल कर दें कि हाँ, हमने वो डब्बा महाराजा के घर से चुराया। अर्जुन को वैसे बंदे तो नहीं मिलते, इसलिए वो नन्ना शिवम को 50,000 ऑफर करता है चोरी की एक्टिंग करने के लिए। बाकी दो चोर के बारे में वो कह देगा कि वो शहर छोड़कर भाग चुके हैं। इसलिए अरुण महाराजा को फोन लगाकर फिर से एक बार पूरी कहानी बताने को कहता है कि कैसे वो तीन लोग उसके घर में घुसे थे, ताकि उसी कहानी के हिसाब से नन्ना शिवम एक्टिंग कर पाए। और इस बार जब वो कहानी बताता है ना, तो दोस्तों हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि उस रात हुआ क्या था। तो असल में उस दिन हुआ ये था, महाराजा सलून गया हुआ था और उस दिन उसकी बेटी ट्रेनिंग से घर वापस आने वाली थी, इसलिए सलून बंद करके महाराजा ज्योति के लिए जूते लेने चला गया। उसके आने से पहले ज्योति घर पहुंच चुकी थी। घर के अंदर आते वहां उसे उसके पिता नहीं मिले, पर हाँ, घर में वो तीन लोग जरूर मौजूद थे जो ज्योति की आंख पर पट्टी बांध कर उसे मारना शुरू कर देते हैं। और ये तीन लोग कोई और नहीं बल्कि धना, नल्ला शिवम और सेल्वम ही थे, क्योंकि सेल्वम 2003 में जेल से आजाद हो चुका था दोस्तों। और अब बाहर आते ही उसने धना और नल्ला शिवम को अपनी टीम में शामिल कर दिया, ताकि वो महाराजा को सबक सिखा पाए, इसीलिए वो लोग घर में घुस आए थे। और यहाँ पर आने के बाद उन्हें महाराजा तो नहीं मिला, लेकिन ज्योति उन्हें मिल जाती है, जो दुर्भाग्य से उसी समय घर पर पहुंची थी जब ये दरिंदे महाराजा के घर आने का इंतजार कर रहे थे। नल्ला शिवम कहता है कि अब तो हमें ज्योति को भी मारना होगा, तो क्यों ना उससे पहले उसके साथ थोड़ी मस्ती की जाए। इस पर सेल्वम उसे परमिशन दे देता है, इसलिए नल्ला शिवम बेचारी ज्योति के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद धना भी ज्योति के साथ वही काम करता है, और फिर सेल्वम उन दोनों से कह देता है कि चलो यहाँ से, अब हमें महाराजा को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार ज्योति से करता था ना, काम हो गया। इसकी ऐसी हालत को देखकर वो खुद ही तड़प कर मर जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराजा ने पुलिस वालों को उस रात के बारे में जो कुछ बताया था कि उस पर हमला वगैरह हुआ, वो चीज उसके साथ नहीं बल्कि ज्योति के साथ हुई थी, ये बात हमें अभी पता चलती है। इसीलिए महाराजा ने धना की जान ली, जहां उसे एक पुलिस वाले के बारे में पता चला कि वो भी उन तीनों में से एक था। इसीलिए महाराजा लक्ष्मी का झूठा केस लेकर पुलिस स्टेशन आया, ताकि वहां पुलिस वालों को उलझा कर दूसरे अपराधी का पता लगा पाए, जबकि लक्ष्मी चोरी हुई नहीं थी। महाराजा ने पुलिस को सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो तीनों जेल में सड़े, बल्कि वो खुद अपने हाथों से उन तीनों की जान लेना चाहता था। और अब फोन पर महाराजा की बात सुनकर नल्ला शिवम घबरा जाता है कि ये तो महाराजा है जिसकी बेटी के साथ हमने गलत किया था। और दोस्तों इसीलिए वो अरुण से कह देता है कि नहीं, मैं ये नाटक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक्टिंग ही नहीं आती। पर अरुण तो कहाँ सुनने वाला था, वो जबरदस्ती उसको लेकर नाटक करने के लिए महाराजा के घर आ जाता है। वहाँ आने के बाद अभी तो महाराजा उसको नहीं पहचानता कि नल्ला शिवम ही वो पुलिस वाला है जिसे वो ढूंढ रहा था। पर जब वो उसकी पीठ चेक करता है तो उसमें वही ट्यूमर होता है, जिसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही है जिसने ज्योति की आंखों पर पट्टी बांधी थी, इसीलिए ज्योति ने नल्ला शिवम की पीठ महसूस की थी कि उस पर ट्यूमर था। इसी वजह से महाराजा ट्यूमर वाले ऑफिसर को ढूंढ रहा था। तब अर्जुन महाराजा को चाकू देकर कहता है कि मार दो इसे, मैं सारी चीजें जान चुका हूँ कि इसने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया। तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकालने पर ही मुझे सब कुछ पता चल गया था कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों आए आखिर। इसीलिए मैंने नल्ला शिवम को ही नाटक करने पर उकसाया ताकि उसे तुम्हारे पास लेकर आऊं। इसने ज्योति के साथ जो भी किया वो माफी लायक नहीं है, तुम अपने हाथों से इसकी जान ले लो। चिंता मत करो, मैंने तीसरे आदमी का भी पता लगा लिया है। ये सुनकर महाराजा बड़ा खुश होता है और उसी चाकू की मदद से पूरा गुस्सा नल्ला शिवम पर उतार कर उसकी जान ले लेता है। अब महाराजा वहां से अरुण की बताई हुई जगह पर आता है जहां उसे तीसरा आदमी मिलेगा। वहां आने पर जैसे ही वो सामने सेल्वम को देखता है ना, एकदम दंग रह जाता है कि तीसरा आदमी सेल्वम ही था। साथ ही सेल्वम भी महाराजा को देखकर कहता है, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे, तेरी वजह से मैं जेल गया, अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। जेल में रहते हुए मुझे पता चला कि उनकी एक दुर्घटना में जान चली गई। बोल अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने जो तेरी बेटी के साथ किया वो कुछ भी नहीं था, मुझे तो उसके साथ और बुरा करना चाहिए था। शुक्र मना के उसको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब। इतना कहकर वो महाराजा को बहुत मारता है, पर महाराजा को सदमा लग चुका था कि तीसरा आदमी सेल्वम है। लेकिन महाराजा को आखिर सदमा क्यों लगा, आपको थोड़ी देर में जानकर सदमा लगेगा। अब वहाँ पर ज्योति आती है जो सारे अपने गहने लेकर आई थी। वो सेल्वम के सामने फेंकते हुए कहती है कि इसके लिए ही तुम घर आए थे ना, तो सिर्फ ये लेकर क्यों नहीं गए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। इतना कहकर दोस्तों वो इमोशनल होने लगती है, इसलिए महाराजा उसको भेज देता है वहाँ से। लेकिन जब सेल्वम की नजर उन गहनों पर पड़ती है तो उसमें वही लॉकेट मौजूद था जो उसने अपनी बेटी अमु के लिए खरीदा था। साथ ही ज्योति की पीठ पर एक निशान भी होता है, जैसा कि अमु की पीठ पर भी मौजूद था। अब दोस्तों यहाँ पर आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो दोस्तों जब मूवी की शुरुआत में महाराजा अपनी पत्नी और बेटी को खिलौने की दुकान से खिलौना दिखा रहा था, वो असल में उसका घर नहीं बल्कि सेल्वम का घर था। और दोस्तों जब सेल्वम जेल चला गया, उसके बाद महाराजा, उसकी पत्नी और बेटी तीनों सेल्वम के घर वो लॉकेट देने जा रहे थे,
तभी ट्रक बीच में आ गया और इस दुर्घटना में महाराजा की बेटी और पत्नी के साथ सेल्वम की पत्नी भी मर गई। लेकिन उसी लक्ष्मी डब्बे ने सेल्वम की बेटी अमु की जान बचा ली थी। इसी वजह से दोस्तों पहले वो सेल्वम के घर पर था डब्बा, और अमु को बचाने के लिए महाराजा ने उस डब्बे को लक्ष्मी नाम दे दिया और अपने साथ रख लिया। तभी से महाराजा सेल्वम की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है। यानी दोस्तों जो कुछ सेल्वम ने महाराजा की बेटी के साथ किया वो असल में महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की ही बेटी है। यही जानकर महाराजा को सदमा लग गया था दोस्तों कि सेल्वम ने अपनी बेटी के साथ ऐसा काम किया। सेल्वम जब ये जानता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये कर दिया, एंड ये ऐसा दर्द था उसके लिए जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों ये काफी इमोशनल वाला सीन था वैसे मूवी में, लेकिन इसे लफ्जों में बताना शायद थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सेल्वम महाराजा के पैर पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि मैं उसका पिता हूं, बस उसे माफी मांगना चाहता हूं। पर महाराजा उसकी एक नहीं सुनता और ज्योति को लाकर वहां से चला जाता है। उसे तो अब सेल्वम को मारने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सच्चाई जानकर उसे खुद सदमा लग गया है और वो खुद ही मर जाएगा। होता भी ऐसा ही है दोस्तों, जब वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाता तो वो अपने आप को कोसते हुए भगवान से एक प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी तरह पिता किसी को मत देना, और अगर देना तो उस घर में बेटी ना देना। इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। दोस्तों बुराई की हमेशा हार ही होती है, जैसा कि आज सेल्वम के साथ हुआ। उसे अपने पापों का फल इस दुनिया में तो मिला, ऊपर जाने के बाद भी मिलेगा, और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी आप कहोगे कि कचरे के डब्बे को लक्ष्मी नाम क्यों दिया, भाई देखिए इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, देना तो नहीं चाहिए था वैसे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।